हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय कुमार कर्मकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने 12th क्लास पास कर लिया है, आप सभी एयरपोर्ट में या फिर एयरलाइंस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए अकाशा एयर की तरफ से बहुत ही अच्छा जॉब का अपडेट लेकर आ गया हूं, जहां पर अकाशा एयर में ड्यूटी मैनेजर और एयरपोर्ट मैनेजर के लिए लेटेस्ट वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेशर कैंडिडेट है, मेल है, फीमेल कैंडिडेट है, आप सभी एलिजिबल होंगे अकाशा एयर में अप्लाई करने के लिए। आप सभी का ये जो जॉब है, आप लोगों का पैन इंडिया जॉब रहने वाला है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आप सभी जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आप लोगों को यहाँ पर सैलरी के अलावा बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स भी दिया जाता है, आप लोगों को अदर अलाउंसेस भी दिया जाता है। अगर आप सभी इनके साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को लाइफ टाइम फ्री ट्रैवलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सभी के लिए ये बेहतरीन मौका होने वाला है, 12th पास कैंडिडेट के लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। तो आप फ्रेशर हैं तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सभी अकाशा एयर में जॉब को करने के लिए अप्लाई करेंगे। आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, आप लोगों का जॉब रोल क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, जॉब लोकेशन बताने वाला हूँ और एचआर का डिटेल भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए अप्लाई करने के टाइम पर। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने अकाशा एयर का ऑफिशियल जॉब का पेज ओपन करके रखा हुआ है, यहीं पर सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हैं अकाशा एयर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोगों को जॉब रोल भी बताया गया कि क्या आप सभी का जॉब रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आप लोगों को टिकट काउंटर में जॉब दिया जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर पैसेंजर हैंडलिंग करना होगा, आप लोगों को बोर्डिंग गेट में आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, आप लोगों का सुपरवाइज़र का जॉब दिया जाएगा, ड्यूटी ऑफिसर एंड ड्यूटी मैनेजर का आप लोगों को जॉब यहाँ पर मिलने वाला है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई है कि आप लोगों को वर्क क्या रहेगा। एयरपोर्ट टिकट काउंटर में आप सभी को टिकट देना रहेगा, आप लोगों को रिजर्वेशन काउंटर में आप लोगों को जॉब करना रहेगा, साथ ही कस्टमर के जो भी क्वेरीज होंगे आप लोगों को वहां पर स्माइल करके आप लोगों को आंसर देना रहेगा, आप लोगों को बोर्डिंग गेट में आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर पैसेंजर के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो चेक करना रहेगा, आप लोगों को यहाँ पर उनके लगेज को बैगेज को आप लोगों को चेक करना रहेगा, उनके आईडी कार्ड को चेक करना रहेगा, आप लोगों के जो भी एयरपोर्ट में सारे वर्क रहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर करना रहेगा। डिटेल भी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या फिर मिनिमम 10th+2 कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रीफेड वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जॉब प्रोफाइल के लिए, या फिर आप सभी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप सभी यहां पर इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। स्किल एंड नॉलेज की बात करें तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आप लोगों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ट्रैवलिंग की बात करें तो आप लोगों को कभी कभी ट्रैवल करना होगा, और साथ ही आप लोगों का जॉब लोकेशन जो है वो आप लोगों का अलग अलग एयरपोर्ट में रहने वाला है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप लोगों का ये फुल टाइम ऑन रोल जॉब रहने वाला है, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप सभी का जॉब नहीं रहेगा। कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स की बात करें तो आप लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाएगी। स्टाफ ट्रैवल प्लस 6 मेंबर को आप लोगों को यहां पर फ्री ट्रैवलिंग का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों का जब सिलेक्शन होगा, आप जब एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो आपके और आपके फैमिली को फ्री ट्रैवल करने का फैसिलिटी भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, और आप लोगों को अदर अलाउंसेस भी आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया गया है, जॉब आईडी आप लोगों को बताया गया है, डिपार्टमेंट नेम देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो 100 वैकेंसी निकाली गई है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में है आप लोगों का ये जॉब ओपनिंग। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है, जो आप लोगों का यहाँ पर सिटी रहेगा वो पैन इंडिया रहने वाला है, तो आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर दो तरीके से बताया गया है। कंपनी की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को मेल आईडी दिया गया है, तो आप लोग इस मेल आईडी पे अपना एक अपडेट रिज्यूमे या फिर सीवी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप लोग आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को फिल करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों को अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे आप लोग का नेम, आप लोग का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, आपका फुल एड्रेस फिल कर दे। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल में आप लोगों को फिल करना है, आप फ्रेशर है या फिर
एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें फिल कर लें। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को एजुकेशन डिटेल्स को फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जैसे आप लोगों को अपना फ़ोटो यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एक अपडेट रिज्यूमे यहाँ पर आप लोगों को अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों का सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को HR की तरफ से आप लोगों को ईमेल पे मैसेज आ जाता है कि आप लोगों का जो इंटरव्यू का लोकेशन है या फिर आप लोगों का जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो सारा कुछ आप लोगों को HR की तरफ से बताया जाता है, जिसमें सारा डिटेल्स आप लोगों का मेंशन रहता है। तो यही सारा प्रोसेस आप सभी का रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, और ऐसे ही न्यू जॉब अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।